कमांड बोलना और खुद मैदान में उतर के लड़ना, ये दो अलग चीज है। हालेलुया। सो हर वो चर्च सक्सेस पाएगा जहां पास्टर मैदान में उतर कर लोगों के साथ काम करता है, नहीं तो बिशप साहब ऊपर बैठा है, पास्टर साहब नीचे बैठे हैं, काम होता नहीं। वो बिशप साहब उधर से आम बोलेगा, इधर से फायर बोलेगा, तभी ये फायर करेगा, ऐसा काम नहीं होता। ये फर्क है प्रैक्टिकल लाइफ में और थियरी लाइफ। सो प्रैक्टिकल लाइफ जो है बहुत जरूरी है। अगर आप एक उदाहरण को, मैंने जब मैं कन्याकुमारी गया था तो हमारे रिश्तेदार के घर पे हम बैठे हुए थे, पड़ोस में एक कन्वेंशन चल रही थी, शाम का टाइम था, गाने की आवाज आ रही थी, तो मैं घर में नहीं बैठा, मैं बोला मैं उधर जा रहा हूँ, मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। और मैं निकला बाजू के गांव, बस उसी गांव में पास में जाकर मैं पीछे एकदम लास्ट में अपना चेयर में बैठा रहा, प्रचार हो रहा है। तो प्रचार करने वाला जो था थोड़ा एक बुजुर्ग आदमी था, वो भी मिलिट्री में, मिलिट्री रिटायर्ड मेजर ऐसा कुछ था वो। तो प्रचार करने के टाइम वो कभी टेबल में टेप लगा के बोलता था, कभी वो ऐसे बोलता था, तो कभी टेबल के ऊपर ऐसा बैठ के बोलता था, तो कभी चेयर के ऊपर पैर रख के बोलता था। भाई ये सब देखा मेरे दिमाग में हट गए, मैं बोला यार ये कुछ ज्यादा ही कर रहा है स्टाइल में, बोला मेरे को पसंद नहीं आया। फिर भी मैंने बोला चलो सुनते हैं। और जब ये विचार मेरे मन में आई, सामने से वो बात करने लगा, आप लोग सोचते होंगे मैं ऐसा क्यों प्रचार करता हूं, कभी बैठ के कभी सपोर्ट लेके कभी ऐसा ऐसा आप सोचते रहेंगे। मैं बोला यार ये मेरे मन की बात कर रहा है, मैं सोच रहा था ऐसा। तो मेरा अटेंशन गया उसके ऊपर, क्या बोलने वाला। बोला सुनो, जब मैं मिलिट्री में था वॉर में, मुझे 8 गोली लगी है बदन में, कितने और 8 ऑपरेशन हुआ है मेरे बॉडी में, नीचे पैर से लेके सर तक 8 ऑपरेशन हुआ है, इसीलिए मैं खड़ा नहीं रह सकता, मैं सपोर्ट लेकर प्रचार करता हूं। मुझे बड़ा तसल्ली लगा, मैं जो चीज को देख रहा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद उसने मेरे को एक बात बोला, जो आदमी ये बोलता प्रेज द लॉर्ड, मैं अभी तक जिंदगी में एक भी गोली नहीं खाया, मैं बीमार नहीं पड़ा, उस सेवक को मैं नहीं मानता। जो सेवक बीमार पड़ेगा, वो सेवक जब बीमार के लिए प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना असरदार होगा, क्योंकि बीमारी क्या है इसको पहले मालूम है, भला चंगा को क्या मालूम है। अगर तुमको तकलीफ नहीं होती है तो तुम तकलीफ के बारे में प्रचार नहीं कर सकते, जब तक तुम उसमें से नहीं गए हो। मैं जानता हूं चंगाई का क्या असर है, क्योंकि मैं मरण के बिछाने में था, मौत से लड़ रहा था, प्रभु से क्षमा मांगी, जीवन को खोल के रख दिया, प्रभु एक चांस दे, बाकी का जिंदगी तेरी सेवा में बिताऊंगा, तभी आईसीयू से बाहर आया मैं, फिर मैं खड़ा हो गया, अभी मुझे मालूम है चंगाई क्या है। और भाई ब्रणम कहते हैं असरदार प्रार्थना वही होता है जब सामने वाले का दुख को तुम समझ सकते हो, वरना पास्टर जी प्रेयर करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से सर के बाल से लेकर पैर के नखून तक यीशु नासरी के नाम से एक एक शरीर के अव्यों को एक एक शरीर के पुर्जों को अभी मैं यीशु के नाम पे, ऐसा रट लगाने वाले बहुत लोग हैं, मुंह पाठ बोलते रहेंगे धड़ाधड़, प्रभु इसका दुख को मैं देख रहा हूं, ये पीड़ा से बहुत ज्यादा दुख, मैं इंसान हो के प्रभु इसका दुख को इतना, तू तो खुदा है, तू जरा इस पर दया कर। वो बीमार असरदार, वो वाली प्रार्थना असरदार, बाकी ये भाषण देने वाली प्रार्थना टेप रिकॉर्ड दबाए तो धार 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 धार, वो प्रार्थना असरदार नहीं रहता, क्योंकि सामने वाले का दुख को तुमने एहसास करना है। इसीलिए प्रभु ने बोला अगर कोई रात को तेरा दरवाजा खटखटाए और बोले मेरे बच्चा भूखा है, तू मत कहना कि सवेरे आ मैं अभी सोया हूं, उसी टाइम पे उठ और तेरे घर में जो रोटी है उठा के उसको दे। और बहुत से बार ऐसा होता है, पाशु जी दुआ में याद करना,
मैं क्यों याद करूं? ये अच्छा खा पी के सोएगा, मैं इसके लिए प्रार्थना करूं? मैं क्यों याद करूं? पास्टर जी दुआ में याद करना, अजी हम के फ्री में बैठे हैं क्या दुआ में याद करना? ये लोगों को आदत से बन गई है। तुम बोलो तुमने दुआ किया, बच्चे आते खड़े रहते, पास्टर जी एग्जाम है प्रार्थना करना। प्यारे प्रभु यीशु मसीह बुद्धि दे, सुलेमान का ज्ञान दे, बुद्धि को स्पर्श कर, पढ़ाई को ये कर, इतना सब प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं। पहला बच्चे को पूछो पढ़ाई किया, पढ़ाई किया क्या तुमने, प्रार्थना किया क्या तू? अगर मैं प्रार्थना करूं और तू किताब को हाथ नहीं लगाया होगा तो फेल होने वाला है। तू पढ़ाई किया तो मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु तेरे बुद्धि को और तेज करेगा, स्पर्श करेगा। हालेलुया। सो जब आपको बुलाहट बुलाया जाती है तो आपको समझना है कि सामने वाला हमें क्या उद्देश्य से बुला रहा है। एक बार मैं कुरला में एक पास्टर के घर पे था, उसके घर पे एक और पास्टर बैठा हुआ था, और जब वो पास्टर से बोले अरे पास्टर जी प्रेज द लॉर्ड दुआ में, तो मैंने उसको सहज पूछ लिया ऐसे, आइए पास्टर जी कभी अंबरनाथ, ऐसा बोल दिया मैंने। तो बोलते हैं ना किधर भी मिलेगा तो बोलते ना आइए तो कभी घर पे आइए, ऐसा बोलते। वो खड़ा हो गया, बोला आप मेरे लिए दुआ करो और प्रभु से मांगो फिर मैं आऊंगा। अरे यार क्या आदमी है, मैं इसको बोला बड़ा प्यार से बोल दिया मैंने, आइए कभी अंबरनाथ आप मेरे लिए दुआ करो, जब प्रभु अनुमति देगा तब आएगा। मैं बोला मत आना, उधर ही बोल दिया उसको, अभी प्रभु बोलेगा तुम्हें मत आना, तेरे जैसे आदमी को हमारी तरफ जगह आई नहीं। इतना धार्मिक हो गया क्या तुम? दुआ में याद रखो, दुआ में करो। मैं नहीं करेगा तेरे लिए, मैं क्यों करूँ दुआ? मैं सामने वाले को पूछता हूँ क्या उद्देश्य, वो अपने आप को मैं उसको बुलाया तो चढ़ गया था हरभरे के झाड़ के ऊपर, मेरे लिए दुआ करो फिर मैं देखूंगा। नहीं, प्रभु का सेवक का आदत होना चाहिए जी, प्रभु की मर्जी हो तो जरूर आऊंगा, पहले प्रभु की मर्जी फिर मेरी अपनी इच्छा है आने का, लेकिन प्रभु ने अनुमति देना चाहिए आने के लिए। सो बहुत सारे अनुभव के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सेशन में जाने के टाइम कुछ पर्पस मैं आपको बताना चाहता हूं, द पर्पस ऑफ डिसाइपलशिप। डिसाइपलशिप की पर्पस क्या है, क्यों सेवक बनना है? जैसे अभी भाई ने कवाली गाया था, गुट्टू जेम्स ने भी कवाली गाया था, और वो कवाली में उसने गाया कल के भिखारी आज के लखपति, कैसे समझ नहीं आया कल के भिखारी, कैसा समझ में नहीं आया, कल झोला लेके बाइबल लेके घूमता था, आज मर्सिडीज कार में जा रहे, समझ में नहीं आया कैसा हो गया, कहां से इतना पैसा आ गया, सेवकाई के अंदर इतना पैसा कहां से आता है। पॉल जो उस समय में 8 करोड़ का मालिक था, तिमोथियस को खत लिखता है मेरा एक कोट तेरे पास रह गया है, आने के टाइम याद से लेके आया, इधर ठंडी ज्यादा है। कोट पॉल बोलता है कि मैंने जितना कुछ समेट के लिया था यीशु मिलने के बाद मैं सब छोड़ दिया, मतलब बाइबल के जितने सेवक लोग थे वो सब प्रभु मिलने के बाद दुनियादारी छोड़ के आए, लेकिन इधर उल्टा है, इधर कुछ नहीं है भिखारी, प्रभु में आने के बाद सब समेट रहा है, प्रभु में आने के बाद सब जमा कर रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रभु मिलने के बाद लोग सब त्याग कर दिए। और बोलते हैं कूड़ा और कचरा था वो जिंदगी मेरे लिए, आज मुझे अपार और असीम धन मिल गया है। ये एक दुख का एक सेवकाई है जिसका परिणाम जो है बहुत बड़ा है। अमीर आदमी का और गरीब लाजर के बारे में आप स्टोरी सुने होंगे, क्या सुने उसमें, क्या स्टोरी है उसका? वो स्वर्ग में है अब्राहम के गोद में, अमीर आदमी नरक में, इनका वार्ताहत क्या हो रहा है कि उसको भेज मेरे घर पे, मेरे और 5 भाई लोग जी रहे हैं, वो भी वैसे ही जी रहे हैं जैसा मैं जी रहा था, और वो मरेंगे तो इधर ही आएंगे, तो जाकर उसको बोलो तुम्हारा बड़ा भाई स्वर्ग में नहीं गया है, वो नीचे गया है आग में, जरा जाके बोलो उसको। ये वाला पंखा बंद कर रही है तो अच्छा, तुम्हारा भाई बड़ा वाला नरक में गया है। तो ऐसा कहा गया
उसके घर में भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, अगर वो उनकी पढ़ के नहीं सुनता तो मुर्दा जाएगा तो कैसा सुनेगा। उनके पास किताबें हैं, इसका मतलब ये आदमी जो नरक में गया इसके घर में बाइबल है, घर में बाइबल होते हुए भी वो नरक में गया। अब इनका वार्ताहत को गौर से सुनोगे तो अब्राहम कहता है तू अपने जिंदगी में ऐश और आराम लिया और ये गरीब दुख और तकलीफ उठाया, अभी ये ऐश में है और तू तकलीफ में है। आई बात समझ में? अगर ये दुनिया में आप सुख विलास चाहोगे तो अमीर आदमी के साथ जाओगे, अगर प्रभु के लिए दुख सहन करोगे तो गरीब लाजर के साथ रहोगे। और ये वाली सेवकाओं के बारे में जा रहा आज बोल, हमारा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं, हमारा परमेश्वर का हाथ बड़ा है। देखो अय्यूब कितना धनवान था, अब्राहम कितना धनवान था, ये सब पुराना नियम का लोगों का नाम बताएंगे, नया नियम का लोगों का नाम बताओ कौन धनवान था। अभी हम लोग पुराना नियम में नहीं, हम लोग अभी नया नियम में है, और नया नियम में लिखा है बड़े तकलीफ के साथ हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है। दुख संकट अभी ये अच्छा सरकार नहीं आने वाला है, जो भी आने वाला है इससे बुरा ही आने वाला है, क्योंकि दिन बुरे हैं, समय बुरा है और वचन की पूर्ति है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं मत घबराओ, अभी सब चर्च में प्रार्थना चालू है, उपवास प्रार्थना चालू है, प्रभु ये पार्टी आने दे, ये पार्टी आने दे, उपवास प्रार्थना चालू है। मैं बोलता हूं पार्टी कोई भी आने दो, सत्ता चलाने वाला हमारा परमेश्वर है, क्योंकि राजाओं को वो चुनता है, हमें नहीं परवाह कि कौन आने वाला है, हमें ये मालूम है सत्ता किसके हाथ में है। खुदावन ने दानियल के टाइम पे नबूकदनेस्सर को चुटके रखा, बाद में साइरस को बेच के उसको गिराया, वो उसके हाथ में है, वो जानता है उसको कैसे लोगों को चलाना है। सो कुछ पर्पस जो है, द गोल इज नॉट टू जनरेट बाइबल स्कॉलर्स इवेंजलिस्ट पास्टर्स लीडर्स मिशनरीज बट टू बिकम लाइक क्राइस्ट। हमारा उद्देश्य बहुत सारे कॉलेज चालू करना, बाइबल कॉलेज चालू करना, पास्टर लोग को बनाना, इवेंजलिस्ट को बनाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य जैसा मसीह था वैसा हमको बनना है। मैं इसके बगैर कि तुम एक पास्टर बनो बोलने के बगैर मैं एक बोलूंगा तुम एक मसीही बनो, पहले एक इवेंजलिस्ट बनो बोलने के पहले मैं बोलूंगा पहले एक मसीही बनो तुम, बाद में प्रभु ने अगर तुमको बुलाहट दी तो तुम इवेंजलिस्ट बनो पास्टर बनो, लेकिन पहला तुम क्या बनो एक मसीह बनो। पहला कुरिन्थियन दूसरा अध्याय 16 वचन पढ़िए, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है जी कि उसे सिखाए, हाँ परंतु हमें मसीह का मन, प्रेज द लॉर्ड, मसीह का मन किसने जाना और हमारे अंदर क्या है मसीह का मन है। पहले लोगों को एक मसीह बनाओ, ये सब बातें जो है उसके जीवन में आ जाएगी। दूसरा, टू ग्रेट कमीशन एंड अदर कमांड्स, यीशु मसीह ने जिसे मत्ती 28 में कहा तुम पृथ्वी में जाकर लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रभु का बड़ा कमीशन है ये जो आपको जाकर करना है, फॉर द परफेक्टिंग ऑफ द सेंट्स, विश्वासियों की सिद्धता के लिए। इपिशन 4:12, परफेक्टिंग, आपने एक विश्वासी को लेके आया प्रभु में बपतिस्मा दिया, उसको लेके जाओ ऊपर तक जब तक वो सिद्ध ना हो जाए। बहुत से लोग, मैं उधर इतना बपतिस्मा दिया, मैं उधर उतना बपतिस्मा दिया, मैं उधर उतना बपतिस्मा दिया, लेकिन उसका परवरिश नहीं किया। परवरिश करना वही माँ बनता है, परवरिश करेगा वही बाप बनता है। बच्चे तो कुत्ते भी पैदा करते हैं, लेकिन बच्चों का परवरिश करके उसको इंसान बनाना वही बाप बनता है। तो बपतिस्मा दे के आना काफी नहीं है, बपतिस्मा दिए हुए लोगों को एक सिद्धता के ओर लेके जाना, ये एक पास्टर का जिम्मेदारी है। परफेक्शन के अंदर आपको लेके जाना है। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सालों से बैठते हैं लेकिन वही को वही बैठे हैं। सो दैट द मैच्योर क्रिश्चियंस कैन रिप्लिकेट देमसेल्फ, दूसरा तिमोथियुस 2:2, ताकि वो व्यक्ति एक संपूर्ण तरीके से विश्वास में बढ़ोतरी पाया हुआ एक मिनिस्ट्री होना चाहिए। मैं दूध पीता नहीं रहा, जब मैं बालक था मैं घुटने पर चलता रहा, लेकिन अभी मैं श्याणा हो गया हूं। आपको श्याणापन में आना बहुत
जरूरी है। तो डेवलप पीपल स्पिरिचुअली, आत्मिकता के अंदर लोगों को आपको डेवलप करना है, अज्ञानता से लेकर उनको ज्ञानता के अंदर लेकर आना है। टू इक्विप द कन्वर्ट्स फॉर सर्विस, आपको जो लोग विश्वास में आ गए तुम्हारे द्वारा उनको प्रभु की सेवा में उपयोग करना है, जैसा प्रेरित 18 के अंदर अक्विला और प्रिसिल्ला को पौलुस ने सेवा में उपयोग किया, उनको सेवा के अंदर आगे लेके आना है, सेवा के अंदर आगे बुलाना है, सेवा के अंदर उनको कहना है कि हाथ बढ़ाओ, प्रभु में आगे बढ़ते रहो। Although Apollos had knowledge, he still wanted to learn more from other Christians. Ephesians में अपोलोस आया पौलुस से मुलाकात, उसके पहले अक्विला और प्रिसिल्ला अपोलोस से मिलकर बातचीत करे और उसको बोले कि आप हमारे पास्टर पौल से मिलो, आपको इससे ज्यादा वो आपको सिखाएगा। मतलब अपोलोस के मन में इच्छा हुई, अरे ये विश्वासी लोग इतना वचन से बात करते तो इनका पास्टर कैसा रहेगा, उससे मिलने की इच्छा हुई। फिर 19वां अध्याय में वो मिलता है पौलुस के साथ, पर अपोलोस को आप अनपढ़ मत समझिए, अपोलोस ज्ञानवान था। 18 अध्याय का 24 वचन में अपोलोस के बारे में लिखा हुआ है, प्रेरित अपोलोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था, हाँ, और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, जी, एफिसुस में था, आया, हाँ, उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, जी, और मन लगाकर यीशु के विषय में, हाँ, ठीक-ठीक सुना था और सिखाता था। अभी ऐसा आदमी को भी सीखने की इच्छा है, और हम लोग को इधर थोड़ा बहुत मालूम पड़ गया, मेरे को बहुत मालूम है, सीखने की इच्छा ये आदमी के अंदर भी है, जो ज्ञानवान था, विद्वान था, शास्त्रों को जानता था, यीशु के बारे में ठीक ठीक सुनाता था, सिकंदरिया में पढ़ा हुआ आदमी है, ज्ञानवान आदमी है, इसके मन में भी सीखने की इच्छा है। कभी भी सीखने की इच्छा रखो। प्रभु ने चेलों को बोला, मैं बड़ा है, तू बड़ा है, प्रभु ने बच्चे को गोद भी लिया, बोला जिसको बड़ा होना है बालक बनो। प्रभु का राज्य का हिसाब किताब उल्टा है, बालक क्यों बनना है, क्योंकि बालकों के अंदर हमेशा सीखने की आदत होती है। तो प्रभु ने बच्चा बनने का मतलब वो बच्चा नहीं बनने का, परंतु बच्चे का जैसा स्वभाव तुम्हारे अंदर आने दो। बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की तैयारी, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। एक बार आप समझदार हो जाएंगे तो फिर आप सीख नहीं सकेंगे। मैंने बार बार ये उदाहरण आपको बताया कि एक बार ऐसा हुआ, एक गुरु दूसरे गुरु के पास में सीखने के लिए गया, लेकिन जब वो अंदर आकर बैठा तो ये गुरु उस गुरु को सम्मान देने के लिए अपने नौकर से कहा, बेटा पानी लेके आए गिलास, और पानी ले आया गया, और पानी लेकर वो जग में से पानी गिलास में डाल रहा है, और गिलास भर के पानी ऊपर जा रहा था। तो ये दूसरा गुरु जो आया था उसने उस गुरु को बोला, गुरुजी पानी नीचे जा रहा है, गिलास भर गया। तो बोला, हाँ बेटा मेरे को मालूम है, तू भी ऐसा ही भरा हुआ गिलास आया है, अभी मैं जो भी डालूंगा सब बाहर ही जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि तू सीखने के लिए नहीं आया है, तू ये सोच के आया कि मैं भी तो गुरु है ना, वो गुरु के पास जाके देखूंगा उसको कितना मालूम है, तो ये भरा हुआ गिलास की तरह आया है, अगर तू खाली आता तो मैं जो भी डालूंगा वो भरेगा तुझे। तो आप जब भी जाओगे, जहां भी जाओगे, ऐसा जाओ जैसा तुम्हारा बर्तन खाली है, कि तुम वहां से कुछ सीख के आओगे। हालेलुया। एक बार चर्च में अनाउंस किया गया कि ये वाला संडे सब लोग अपने अपने घर से बर्तन ले आओ, सूप चर्च में दिया जाएगा, चिकन सूप दिया जाएगा, और सब लोग अगले अगले संडे कोई गिलास लेके आया, कोई लोटा लेके आया, कोई घड़ा लेके आया, कोई बर्तन लेके आया, भाई चर्च में सूप मिलने वाला है। और एक गरीब औरत थी, उसने बहुत बड़ा मटका लेके आया था खड़ा अंदर, तो ये जो गिलास लेके आया, वाटी लेके आया ना छोटा छोटा, वो लोग सब उसको देख के हंसने लगे, बोले क्या पागल है, सूप दे रहा है बोलने से कि इतना मिलेगा कि पूरा अंडा लेके आया हो। तो सब लोग लाइन में खड़े थे, ये भाई भी अंडा लेके खड़ी थी, और जिसके पास छोटा कटोरा था सूप उतना ही दिया, वो चला गया, गिलास था सूप उतना ही दिया, जिसके पास लोटा था सूप उतना ही दिया, और ये अंडा वाला आया तो सूप डालता गया, सूप भरने तक दिया, उसने ये थोड़ी बोला था कितना बर्तन लेके आओ,
उसने बोला घर से बर्तन लेके आओ। अभी जो जितना बर्तन बड़ा लेके गया उतना ही भर के लेके आया हूं। वैसे आप भी मीटिंग में जाओगे छोटा कटोरा लेके जाओगे तो उतना ही मिलेगा सुख। अगर तुम्हारा दिल विशाल है बड़ा है प्रभु उतना भर के देने वाला परमेश्वर। मैंने बहुत कुछ पाया हालेलुया। आगे बाइबल कहे तो मेंटेन द डॉक्ट्रिनल प्योरिटी एंड यूनिटी लाइक द एग्जांपल ऑफ बीरिया। बीरिया के कलीसिया प्रेरित 17:11 से लेके पढ़ोगे तो वो कहते कि प्रतिदिन वो वचन में ढूंढते थे ऐसा है या नहीं ऐसा है या नहीं। मैं एक बार एक मीटिंग में गया था पेंटिकॉस्टल पास्टर उधर आया था। एक घर में मीटिंग थी और प्रार्थना हो रही थी। जब प्रचार का समय आया हम भी जाकर बैठे दावत थी तो जो प्रचारक था वो उसको कोई बड़ा कैंसर की बीमारी थी पेट का ठीक हो गया प्रभु ने उसको चंगाई दिया और वो सेवा में उतर गया। लेकिन उसका प्रचार सुना मैं थोड़ा टाइम बाद में मेरा मन किया कि अभी उठ के चले जाए तो उसका प्रचार में ऐसा बात करता था वो जब भी उसको पिता का नाम लेना होता था कि पिता परमेश्वर ने ऐसा किया तो पिता का नाम लेने के टाइम वो बोलता था तृत्वतिन मदलावद मणिधन यहोवा तृत्वतिन मदलावद मणिधन त्रैक का पहला व्यक्ति परमेश्वर। जब उसको यीशु मसीह बोलने का रहता था त्रैक्यता का दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह। जब उसको पवित्र आत्मा के बारे में बोलने का रहता था त्रैक्यता का तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा। मैं बोला ये बार बार त्रैक्य 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 ट्रिनिटी 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 मतलब अगर उसको यीशु का तो ऐसा नहीं बोलता था और यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं बोलता था त्रैक्यता का दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह ने कहा। मैं बोला जो वर्ड ट्रिनिटी बाइबल में है ही नहीं उसको इतना बार बोल रहा है इधर से उठ के बाहर निकलो जल्दी। बाहर गया तो पास्टर दरवाजे में खड़ा था पेंटिकॉस्टल पास्टर जा रहे हैं क्या। मैं बोला सर दर्द कर रहा है सर दर्द। मैं बोला हाँ जो शब्द वो बोल रहा है अभी तक मैं अंदर आया 100 बार उसने बोला ट्रिनिटी ट्रिनिटी एक बार मेरे को बाइबल में दिखा दो ट्रिनिटी के द्वारा। वो पास्टर दरवाजे में खड़ा तो भी हाथ जोड़ा आप जा सकते दिखा दो बाइबल में। जो बातें बाइबल में लिखी नहीं गई है उसको तुम इतना रट लगा रहे हो रट लगा रहे हो। बीरिया के लोग ऐसे नहीं थे। पढ़िए बीरिया के लोग कैसे थे वे प्रतिदिन। हाँ ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में घूमते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे। हम लोग संडे संडे वचन सुनते हैं और पर अगला संडे बाइबल निकालते हैं लेकिन एक्चुअली संडे का जो मैसेज होता है वो पूरे सप्ताह का होमवर्क होता है। और जो बच्चा होमवर्क नहीं करता वो बच्चा एग्जाम में पास नहीं होता। संडे का सर्विस सुनने के बाद जो घर में जाके उसके ऊपर मनन नहीं करता वो विश्वासी कभी रैप्चर में नहीं जाएगा। घर में जाकर प्रतिदिन देखते थे ये ऐसा है या नहीं। हालेलुया। आपको वचन के अनुसार जांचना बहुत जरूरी है। ऐसे भी बहुत सारे सेवक लोग पास्टर लोगों को मैंने देखा जो प्रचार कर रहे बिचारे न जाने क्या बोल देते और लोग भी उसको आमीन बोल देते। मंडली को भी मालूम नहीं पास्टर ने क्या बोला पास्टर को भी मालूम नहीं खुद ने क्या बोला। जोश में आके आवेश में आके पास्टर ने कह दिया और मूसा पानी पर चल के गया सबने आमीन बोला और पतरस ने पत्थर पर मारा लाठी और परमेश्वर ने पानी दे दिया सबने आमीन बोल दिया। एक्चुअली पानी पर पतरस चला था लाठी मूसा ने मारा था। आपके भी पकड़ में नहीं आया होगा लेकिन आमीन बोल दी इसको। एक बात मैं अभी अभी बताया था बहुत बड़ी मजेदार बात है। हम लोग कानपुर में थे वहां एक पास्टर के घर पे उनकी चर्च के उद्घाटन के लिए गए थे। मैं भी था दिल्ली का भी पास्टर था मैं भी था और भी पास्टर लोग सब आए थे। अभी सब पास्टर का परिचय दे रहा था ये पास्टर यहाँ से आए ये पास्टर यहाँ से आए तो मेरे बारे में बोला पास्टर शिखर डेविड आए हैं मुंबई का पास्टर है वहां से सेवा किया जोरदार तालियां। और दिल्ली का पास्टर जो रहते हैं वो कुतुब मीनार के पास रहते हैं तो उसने बोल दिया चार मीनार के पास रहते हैं हमारे पास्टर जी उनका स्वागत हो। अरे चार मीनार हैदराबाद में कुतुब मीनार दिल्ली में तो कुतुब मीनार की जगह उसने बोला चार मीनार के पास रहते हैं
बोल दो जो बोलना है मुंह में आ गया, लोगों को क्या समझता लोग। हालेलुया। हमारे गांव की तरफ भी ये कहानी चलती है। एक बार पास्टर जी नौकर को बोला, देख ये चिकन है, इसको आधा फ्राई करना आधा करी बनाना। वो चर्च को चला गया, चर्च को चला गया, चर्च में प्रचार चल रहा है, मस्त संदेश चलने के टाइम पे वो नौकर भूल गया क्या बनाना था। वो चिकन लेके आया, पीछे खड़ा रह के बता बोला क्या करूं इसका। पास्टर जी पुलपिट में खड़ा है, उसने बोला आई हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, हाफ फ्राई हाफ रोस्ट आमीन। वो मुर्गी दिखाने वाला भागा, बोला हाफ रोस्ट हाफ फ्राई। लेकिन चर्च में किसको भी नहीं समझा क्या बोला, बोले आमीन बोला पास्टर ने, सब लोग आमीन बोल दिए। अब पता ही नहीं चलता कि संदेश हो क्या रहा है। बीरिया के लोग ऐसे नहीं थे, वो एक एक शब्द को सुनते थे और जाकर शास्त्र में ढूंढते थे ये बात ऐसी है या नहीं। हालेलुया। द गोल ऑफ द डिसाइपलशिप टू हेल्प द मेंबर्स अटेन परफेक्शन एंड मैच्योरिटी एट द पास्टर्स प्लेस। लूक चैप्टर 6 वर्स 40, लूक की छठवीं अध्याय और उसका 40 वचन। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, हाँ, परंतु जो कोई स्थित होगा वह अपने गुरु के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। चेला गुरु से बड़ा कभी नहीं होता, लेकिन जो कुछ वो होगा वो अपना गुरु के जैसा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता। मैं पंजाब में था तो हमारे बुजुर्ग पास्टर है प्रचीन मसीह, अभी नए नए पास्टर लोग बहुत उठ गए, तो ये जो बुजुर्ग पास्टर है इसकी सेवा देखे के ना आप परेशान हो जाओगे। मैं लुधियाना में था, लुधियाना में मैंने पूछा भाई आपको ये मैसेज किसने दिया, बोले पास्टर बशीर ने। तो मैं बोला पास्टर बशीर कैसे आते थे यहाँ, मतलब आज से 40 साल पहले, वो बोले साइकिल में आते थे। मैं बोला कितना दूरी, 150 किलोमीटर, और उसके भी नदी नहीं थी, ब्रिज नहीं थी, एक नदी थी, उस नदी में साइकिल उतर के कंधे पे लेके चल के उस पार आकर फिर साइकिल चला के 150 किलोमीटर वो साइकिल में जाकर संदेश लेके आते थे। और अभी क्या हो गया, नया नया पास्टर लोग को लैपटॉप मिल गया, पैड मिल गया, और टक 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 डाल दिया और बोला कि वो बुजुर्ग पास्टर को अक्ल नहीं है, इसको अक्ल बढ़ गया। अरे उन्होंने जो मेहनत किया वो मेहनत किया तभी तो आज आपके हाथ में बाइबल मिला, उन्होंने जो बीज लगाया तभी तो आज आपको यीशु मिला, इसको ज्ञान मिल गया, लैपटॉप ओपन लगा तो ये समझ गया बहुत बड़ा आदमी बन गया। बोलते नहीं उनको किधर आता है, उनको मैसेज नहीं आता है, मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा बोलने वाला आज मीटिंग में आया है। मैं बोला अभी तो मेरे हाथ में माइक दे दो मैं देखता हूं आपको। मैं बोला हाथी हाथी है वो बैठे तो भी गधे से ऊंचाई दिखता है, तुम तो गधे हो। मैं बोला वो हाथी है, हाथी बैठेगा तो भी गधे से ऊपर ही है ना, ऊंचाई दिखेगा। वैसे ये लोगों ने जो कष्ट और परिश्रम किया उनके मेहनत को कभी भूलना नहीं। हो सकता है अभी मेरे पिताजी कभी लैपटॉप नहीं चलाए, मेरे पिताजी कभी मोबाइल नहीं चलाए, लेकिन अभी मेरा बेटा मोबाइल लैपटॉप सब चलाए। इसका मतलब क्या, मेरा बाप से ये बड़ा हो गया, कभी नहीं हो सकता, बाप बाप ही होता है। यही पॉल बोलता है गुरु से बड़ा कभी भी चेला नहीं जा सकता। हाँ उसकी बराबरी में आएगा, उसके पीछे कर सकता है, उसके लेवल में आना है, लेकिन वो आगे कभी नहीं जा सकता। आप मेरे साथ हैं, बोला हालेलुया। अब मैं आपको फ्री टाइम देता हूँ, नींद भी आए तो जाओ मुंह भी धो के आओ आराम से बैठ के, आपको दिक्कत ना आए। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, टू हेल्प पास्टर्स प्रेस। Second, if we do not have discipleship in the church, we'll be filled with immature Christians. अगर चर्च में discipleship नहीं है तो आप एक दिन चर्च में ऐसा पाओगे जितने विश्वासी बैठे सब अनपढ़ गवार होंगे, कुछ नहीं मालूम रहेगा उनको। खाली चर्च में आए और गए, वचन के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं। इसीलिए कलीसिया में ऐसा लोग होना चाहिए जो लोगों को शिक्षण दे, लोगों को बढ़ावा दे, इसके बजाय कि किसी के घर में जाकर किसी की बदनामी और बुराई करे, बैठकर वचन खोलो और उसको वचन पढ़ाओ, वो विश्वासी एक कदम और आगे जाएगा। बल्कि उसके घर में बैठकर
तुमको मालूम नहीं वो कैसा है, तुमको मालूम नहीं ये कैसा है, ऐसा बोलोगे ना वो आदमी एक कदम विश्वास से पीछे जाएगा। उसका पतन का हिसाब आपको देना पड़ेगा। अगर हम किसी आदमी को आगे नहीं पहुंचा सकते तो उसको पीछे भी मत पहुंचाओ। तुमसे मदद नहीं होता बात और है, लेकिन जो और मदद करता उसमें ठोकर का कारण मत बनो। मैं नहीं दे सकता वो बात है, लेकिन देने वाले को मैं रोकना नहीं चाहिए, वो मेरी बुराई है। सो जब आप एक स्टेबिलिटी में आ जाते हो, आपको पता चलना चाहिए मेरे जीवन से विश्वासियों को फायदा होना है। द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, डिसाइपल बनने के लिए कीमत चुकानी है। ऐसे ही रास्ते पे गुलाब के पत्थर पे चल के आकर आप नहीं बन सकते। आपको चलना है उस कांटों के रास्ते पर, तब चलकर आप गुलाब तक खोल सकते। पता नहीं हम लोग के स्कूल के दिनों में डायलॉग चलती थी, है नहीं? अगर गुलाब फूल चाहिए तो कांटों से क्या डरना। कांटे लगेंगे जब तक तो गुलाब का फूल पकड़ने जाएगा, कांटा लगता करके गुलाब का फूल को नहीं फेंक सकते। तुमको ये तकलीफ और मुसीबत यीशु के नाम पे उठाकर ही आगे जाना है। नहीं नहीं उसने मेरी निंदा कर दिया, कल से मैं चर्च को नहीं आऊंगा, नुकसान तेरा होगा। मैं नहीं आने वाला है कल गाना गाने के लिए, नुकसान तेरा होगा। मैं नहीं आएगा मीटिंग में, नुकसान तेरा होगा। बाकी जो हाजिर वो वजीर, वो आगे जाता रहेगा, पर तू ठोकर का कारण बनकर मत रह जा। लव गॉड मोर देन एनीवन एल्स, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, हाँ, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हाँ, वो मेरे योग्य नहीं। गॉड वॉन्ट्स प्री एमिनेंस इन योर लाइफ, आपके जीवन में प्रभु प्राधान्य चाहता है, प्रथम स्थान चाहता है। उसकी पूरी मकसद सल्वेशन का यही है कि वो आपके जीवन में फर्स्ट प्लेस चाहता है। मैं एक सेवक को जानता हूं, मद्रास का बहुत फेमस सेवक है। हमेशा मेरी बेटी आएगी गाना गाएगी, मेरी बेटी आएगी ये करेगी, कॉलेज बेटी के नाम पे, स्कूल बेटी के नाम पे, हॉस्टल बेटी के नाम पे, यूनिवर्सिटी बेटी के नाम पे, मेरा बेटी मेरा बेटी मेरा बेटी मेरा बेटी। एक दिन एक्सीडेंट हो गया, बेटी चली गई, अभी क्या करोगे तुम? हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर, अगर तुम्हारा परमेश्वर के नाम से ज्यादा तुम्हारा बीवी का नाम लोगे तो प्रभु बीवी को रास्ते से निकाल देगा। तुम्हारा खुदा के नाम से ज्यादा अगर तुम्हारा बच्चे का नाम लोगे तो प्रभु बच्चे को तुम्हारे जीवन से निकाल देगा। अच्छी बात है, प्रभु ने आपको बच्चा दिया, बीवी दिया, परिवार दिया, लेकिन ये सब उसकी बदौलत है। पहला धन्यवाद उसको जाना चाहिए, बाद में ये सब काम आपके जीवन में। खुदावन चाहता है उसके जीवन में प्राधान्य, प्री एमिनेंस आपके लाइफ में। मैं मेरे घर में कभी कभी बातचीत वार्ता हाथ होती है, क्या तुम मीटिंग मीटिंग करते थोड़ा? मैं बोला मेरे और प्रभु के बीच में कोई नहीं आने का, मेरा प्रभु का रिश्ता अलग है, इसके बीच में ना बीवी ना बच्चा ना माँ ना बाप, वो सब सेकेंडरी थिंग से, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा प्रभु है मेरे। इसीलिए प्रभु ने बोला, एक लड़के ने बोला मैं अभी पिताजी को गाड़ के आता हूं, प्रभु बोला मरे हुए गाड़ेंगे, तू मेरे पीछे चल, फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे दे तू, तेरे घर में मरे हुए बहुत है गाड़ने के लिए, तेरा चाचा मामा भतीजा ये सब मरे हुए हैं, तू तो जीवन के पास आया है, अभी पीछे मत मोड़, आगे की तरफ चलते जा। प्री एमिनेंस परमेश्वर चाहता है। आदम को क्यों बगीचा छोड़ना पड़ा? उसको दिया हुआ साथी, अगर आदम हवा को बोलता कि परमेश्वर ने कहा नहीं खाना मतलब मैं नहीं खाऊंगा, पहला प्रेफरेंस अगर वो खुदा को देता तो पाप नहीं होता, आदम को बाहर जाना नहीं पड़ता, उसने पहला प्रेफरेंस औरत को दिया, इसीलिए उसको मजबूर होकर खाना पड़ा और औरत के साथ उसको बगीचे से बाहर निकलना पड़ा। सो खुदावन चाहता है कि फिर से एक बार आदम के वाटिका को रिस्टोर करे और उसको पहला स्थान मिले आपके लाइफ में। हालेलुया। इससे पहले कि सवेरे उठ के दुनिया को अपना मुंह दिखाने के पहले प्रभु को अपना मुंह दिखाओ। बिस्तर में ही बैठो, बोलो प्रभु तूने नया दिन दिखाया, धन्यवाद हो तेरा। उसके बाद उठो, तुम्हारा बिस्तर बाथरूम वितरूम जो भी करना है, बाथरूम से बाहर निकलो ना के, इससे पहले पेट को भोजन दो, अपने हृदय को वचन खिलाओ।
जाके बैठो वचन लेके, पहला वो पढ़ो, जब तुम्हारा आत्मा तृप्त हो जाएगा शरीर भी तुम्हारा तृप्त होगा, उसके बाद जाके शरीर को जो खिलाना है रोटी वोटी खिलाओ। आज आदमी अंदर से कमजोर हो गया है, बाहर से बहुत फेमस बड़ा अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से आत्मा कमजोर है, उसको मजबूत करो। उसको चाहिए खुदा का वचन। इससे पहले दुनिया की कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, पहला खुदा का कलाम पढ़ो। इससे पहले दुनिया में जाकर किसी के सामने घुटना टेको, पहले प्रभु के सामने घुटना टेको, फिर वो किसके सामने भी तुम्हें घुटना टेकने नहीं देगा। हालेलुया। फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा खुदा को चाहिए, अगर आपको डिसाइपलशिप चाहिए तो। नहीं तो हम लोग दुनिया में बहुत सारी चीज को पहला प्रेफरेंस देंगे, पहला स्थान। मैंने देखा बहुत लोग, मेरा बेटा ना ऐसा है, मेरा बेटा ना वैसा है, मेरा बेटा ना ये, मेरा बेटा भी दुबई गया, मेरा बेटा भी उधर गया, मेरा बेटा बाद में देखा बेटा ब्यौड़ा बन के आया, अभी बेटा प्रभु में ही नहीं है। क्या करोगे तुम? प्रभु से ज्यादा किसका भी नाम मत लेना। बहुत सारे मीटिंग में मैं, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान को, अरे काय को शैतान को क्रेडिट दे रहे हो? अपना प्रभु का नाम लो ज्यादा, वो क्रेडिट के लायक है। शैतान एक हथौड़ा है जो प्रभु इस्तेमाल करता है, लेकिन महिमा उसको देते हैं। हमारे मैसेज बिलीवर लोगों के अंदर भी ये कमी है, यीशु कम बोलते हैं ब्रनम ज्यादा बोलते हैं। महिमा हमारे प्रभु को मिलना चाहिए। सबसे बड़ा नाम आसमान जमीन में एक ही नाम है, यीशु नाम है। उससे ज्यादा किसी का नाम तुम्हारे मुंह में आना नहीं चाहिए। हालेलुया। फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकेंडली, वी मस्ट बी विलिंग टू फॉरसेक एवरीथिंग वी हैव फॉर क्राइस्ट। मसीह के खातिर जो भी हमें त्यागना पड़े हम त्यागने को तैयार हो जाए। एक बार ब्रदर आए मेरे पास में, आप बोले प्रचार करते कि औरत सोना नहीं पहनना है, सोना नहीं पहनना है, कान में नहीं पहनना है, नाक में नहीं पहनना है, बहुत प्रचार करते। मैं बोला हाँ वचन बोलता है, फिर आपने घड़ी क्यों पहना है? मैं बोला मेरे घड़ी से तेरे को दिक्कत है? बोले हाँ ये भी तो सोने का रंग का पहना है ना घड़ी, तू तो नाक में कान में सोना पहनने से क्या होगा, तुम तो घड़ी सोने पे नहीं। मैंने घड़ी ऐसी उतार दी उसके हाथ में थमा दिया, बोला तू कहता है ये गलत है वचन का, फेंक दिया, आज के बाद कभी घड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर तुझे ठोकर लगता है मेरे घड़ी से, अरे नहीं नहीं पास्टर गलती से, मजाक नहीं करना, बात जो भी करना है सीरियसली करना। एक बार डिबेट हो रही थी मुसलमान का और अपना क्रिश्चियन बहुत बड़ा पास्टर का स्टेज में, बाइबल और कुरान को साबित करने के लिए। मुसलमान आया और वचन निकाल के पढ़ा, यदि कोई तुझसे कुर्ता मांगे तो पैजामा भी दे देना। तो उसने बोला मेरे को आपका शर्ट चाहिए। पास्टर को बोला उसको, मेरे को आपका शर्ट चाहिए। पास्टर जी ने शर्ट उतार के दे दिया। उसने बोला आगे का वचन भी आप पालन करो, पैजामा भी उतार के दो मेरे। पास्टर जी ने स्टेज में भरे महफिल ऑडिटोरियम में उसने पैंट भी उतार के उसके हाथ में दे के अंडरवेयर में खड़ा था। वो मुसलमान उधर एक घुटना टेका, बोला सच्चा क्रिश्चियन है तू। हालेलुया। इतनी हिम्मत होनी चाहिए तुम्हें खड़े रहने की। खाली प्रचार करने की बड़ी बात नहीं है, प्रचार आपके लाइफ में प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। दुख उठाने के लिए हम तैयार है। आगे, बियर योर क्रॉस, अपना सूली खुद उठाओ। मेरे पीछे चलना है तो अपना क्रूस, देखो यीशु ने जो क्रूस उठाया ना वो सारा दुनिया का क्रूस उठाया। हमको जो क्रूस उठाने के लिए वो बोल रहा है ना, हमको अपना खुद का क्रूस उठाने बोल रहा है। उसने तो सारा दुनिया का क्रूस उठाया, मेरा बोझ मैं खुद उठा के चलना है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में क्या लिखा है, ऐ बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा, मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो, तुम्हारा बोझ मुझ पर डाल दो, मेरा जुआ हल्का है। ये वचन को बहुत लोगों ने समझा नहीं। ये वचन प्रभु क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपको बताता था। जुआ का मतलब है जो बैलगाड़ी होता है ना उसके आगे डंडे होते हैं जो बैल के कंधे पर रखा जाता है, योक, उसको बोलते जुआ। तुम बोझा बैलगाड़ी में रखो, जुआ मेरा जुआ तुम ले लो। मतलब यह है कि अगर समझो आप 100 किलो सर में लेके चलते हो तो आप 10 कदम चलोगे, लेकिन ये 100 किलो आप बैलगाड़ी में रखो और उसका जुआ लेके चलो, आप 100 फुट चल के जाओ। बात आई समझ में? आप यही प्रभु बोल रहे हैं आपको,
लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं मालूम है कि सब प्रभु के ऊपर डाल के हाथ में हाथ डाल के बैठेंगे, सब प्रभु करेगा, प्रभु नहीं करेगा। प्रभु बोला तेरा बोझा मेरे गाड़ी में डाल और जुआ तू ले ले, मेरा जुआ हल्का है। तो जब बैल जुआ को खींचता है तो गाड़ी पे आप रखो, वहां पर 1000 किलो रखो, बैल आराम से खींच के लेके जाएगा। वही 1000 किलो बैल के ऊपर रखो, वो जगह पे बैठ जाएगी, खींच नहीं सकता हूं। यही बात प्रभु ने आपको बोला कि तुम तुम्हारा बोझ मुझ पर, मेरा जुआ, तुम्हारा जुआ बहुत ज्यादा है ना, बीवी परेशानी नौकरी घर चाकरी खेती बाड़ी, मेरा जुआ हल्का है, तो डाल मुझ पर बोझ और मेरा जुआ तू ले, तो आराम से अपने जीवन को तय करके चला जाएगा। उदाहरण के लिए एक आदमी बैलगाड़ी में जा रहा था, जाते जाते एक आदमी नीचे से बड़ा बोझा लेके सर पे चल रहा था, इसको दया आया, पूछा भाई साहब कहाँ जा रहे, बोले सामने के गांव, बोले मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, गाड़ी खाली है बैठ जाओ तो मैं छोड़ देता हूँ। और ये बैठ गया, ऊपर चढ़कर गाड़ी चलाते चलाते इसने पीछे देखा, वो सर पे बोझ रख के ही बैठा हुआ है। इसने बोला यार तेरे को गाड़ी में बिठाने का मेरा मकसद ये था कि तू सर पे बोझा लेके अभी गाड़ी पर रख, बोले नहीं बैल को वजन हो जाएगा, इसका सोच ऐसा है, इसके लिए प्रभु को ने ज्यादा नहीं सताने का, प्रभु को बोझा लेके बैठा, प्रेयर कर दिया, प्रेयर करने के बाद भी तेरे सर पे बोझा क्यों है, प्रेयर कर दिया खत्म हो गया, प्रभु संभालेगा आगे, हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते, प्रेयर भी करते बोझा साथ में लेके भी चलते। पहला बीमार गिरते के साथ फोन लगाएंगे, स्पेशलिस्ट को देखेंगे, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल देखेंगे, बड़ा बड़ा ईसीआई सीजीआई सब करेंगे, जब डॉक्टर बोलेगा ना हमारे हाथ में नहीं तब प्रभु को देखेंगे। अब डॉक्टर बोला हमारे हाथ में नहीं, अगर डॉक्टर कर देते तो प्रभु के पास कौन जाता, जब डॉक्टर ने हाथ उठाया तभी अभी प्रार्थना, अभी पास्टर की तरह फोन लगाओ जल्दी। यही चीज तो अगर पहले ही प्रभु को बोल दिया होता तो तेरे को उतना जाना ही नहीं पड़ता। प्रभु बोला यदि तो मेरे नाम से जो कुछ मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बियर योर क्रॉस, लुक 9:23, डिनाई हिमसेल्फ एंड फॉलो क्राइस्ट, अपने आपे से टच कर मसीह को पीछा करना, फॉरसेक वर्ल्डली प्लेजर, दुनियावी ऐश और आराम को टुकराना, लूज योर लाइफ, मेरे खातिर जो प्राण खोएगा वो पाएगा, ऑल्दो इट कॉस्ट बी ओबे गॉड, इट कॉस्ट मोर टू डिसओबे हिम, प्रभु का आज्ञा का पालन करने को जितनी कीमत लगती है उससे ज्यादा कीमत उसका आज्ञा का उल्लंघन करने को लगती है, लेकिन लोग उसमें ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। सफर पर्सिक्यूशन, आप प्रभु के लिए तकलीफ और दुख भी उठाओ। समय बहुत आगे है इसलिए मैं इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, पर सिर्फ आखिरी उद्देश्य को आपके सामने रखना चाहता हूँ। नबी ने एक मैसेज प्रीच किया था, ट्राइंग टू डू गॉड अ सर्विस विदाउट बीइंग द विल ऑफ गॉड, खुदा की सेवा बगैर उसकी मर्जी की करना। नबी ने प्रचार जबरदस्त मैसेज है और ये मैसेज के अंदर नबी दाऊद के बारे में बात करता है। दाऊद ने एक टाइम पे क्या सोचा, मैं संदूक की पाछा को लेके आऊंगा, और बैलगाड़ी बनाया, सोने से मंडवाया, सजाया उसको, और उसने ले जाकर संदूक की वाचा बैलगाड़ी में रखा, और आते आते बैलगाड़ी लुढ़की, उज्जिया ने हाथ बढ़ाया, उधर ही मरण आया। दाऊद का खास आदमी, राइट हैंड आदमी मर गया वहां पर, और दाऊद बहुत दुखी हो गया, बोला मैं अच्छा काम कर रहा हूं यार, परमेश्वर का वचन को लेके आ रहा जेरूशलेम में और मरण, हाँ अच्छा काम अगर तरीके से नहीं करोगे तो मरण संभव है, ढंग से करना बहुत जरूरी है, जो काम करोगे वो काम उसी ढंग से करना जरूरी है। बोला हालेलुया। सो मैं भी सेवा करता हूं, क्या प्रभु की मर्जी है, मैं सेवा में उतर गया, प्रभु की मर्जी है, अगर प्रभु की मर्जी है तो तुम्हारा सेवा सक्सेसफुल है। अभी कैसे हो सकता है, काम तो कर रहा है, चर्च तो बनाया, आराधना भी कर रहा है, ये हालेलुया भी बोल रहा है, सब कुछ चल रहा है, फिर कैसे जाने प्रभु की मर्जी है या नहीं इसके साथ। उसके लिए हमें बाइबल में एक सबसे बड़ा उदाहरण है और वो उदाहरण है कैन और आबिल का। कैन ने भी विधि बनाया, आबिल ने भी विधि बनाया, दोनों ने प्रभु के लिए बलिदान को ले आके रखा। कैन ने अपनी खेती से फल फ्रूट लो के रखा जो उसका खेत का उपज था, और आबिल ने एक भेड़ बकरी को काट कर वेदी पे ला के रखा।
बाइबल क्या बोलते हैं इब्रानी की किताब में, विश्वास से कैन, आबेल ने कैन से उत्तम भेंट चढ़ा, विश्वास से। क्या विश्वास था उसके पास? उसके पास विश्वास ये था कि मेरा माँ बाप एप्पल नहीं खाए कि मैं वेदी पर एप्पल चढ़ाऊं, फल चढ़ाऊं। मेरा माँ बाप व्यभिचार किए और परमेश्वर ने वहां बलिदान करके उनको चमड़े का वस्त्र पहनने को दिया, इसीलिए मैं भी मेरे परमेश्वर के सामने क्या लेके जाऊंगा, बलिदान को लेके जाऊंगा, खून लेके जाऊंगा। ये प्रकाशन आबेल को था, लेकिन कैन क्या सोचा, मेरे खेती से काकड़ी वगैरह एप्पल पीपल केला बेला सब, आज भी लोग मंदिर में जाते हैं ना, केला नारियल लेके फ्रूट लेके जाते, ये सब कौन लोग हैं? ये कैन का रेवल्यूशन है, ताटी में लेके खड़े रहते हैं। अभी कौन सा परमेश्वर, आप एक नारियल प्रभु को लेके जा रहे हो, लेकिन दुनिया में जितना नारियल का पेड़ है सब वही लगाया, उसको एक नारियल देगा तो क्या खुश? बोले बेटा जंगल का सब नारियल मेरा ही है, तो क्या दे रहा मुझे? ये कैन का रेवल्यूशन है कि मेरा फल में से मैं प्रभु को दूंगा। लेकिन आबेल का रेवल्यूशन क्या है? मेरा माँ बाप ने फल नहीं खाया, मेरा माँ बाप ने पाप किया, व्यभिचार किया। इसीलिए बाइबल बोलता है विश्वास से, विश्वास क्या है? रेवल्यूशन, विश्वास प्रकाशन है। प्रकाशन आबेल को था, उसने कैन से उत्तम भेंट चढ़ाया, और आबेल को मालूम था कि मेरा माँ बाप को बगीचे से बाहर निकालने के टाइम उसको लहू लुहान कपड़े पहनाकर उसे निकाला गया। इसीलिए यीशु मसीह जब 19:13 में आसमान से सफेद घोड़े पे आ रहा है, देखो कौन सा कपड़ा पहना हुआ, लहू लुहान कपड़ा पहन के वो आ रहा है। लहू लुहान कपड़ा पहन के आदम और हवा को बगीचे से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े बनाए थे वो कपड़े उनके पापों को नहीं डापा। खुदावन ने बोला मैं तुझे कपड़ा बना के देता हूं। ये दुनिया में तीन चीज की बहुत सख्त जरूरत है, रोटी कपड़ा और डायरेक्टर लोग भी समझदार है, वो लोग बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक से पिक्चर निकालते। रोटी कपड़ा मकान, रोटी से हम जिंदा रह नहीं सकते, मत्ते 4:4 में लिखा है परमेश्वर के वचन से हम जीवित रहेंगे। और यीशु मसीह आसमान से जमीन पे उतरा, बोला मैं जीवन की रोटी हूं, तो रोटी प्रभु यीशु मसीह ने हमें दे दिया। कपड़ा वो नंगा हो गया ताकि हमारे नंगापन को ढाप दिया जाए, उसके कपड़े उतारे गए ताकि हम अपने कपड़े को पहन ले, उसके मुंह पे थूका गया ताकि हम अपने शर्मिंदा से बाज आए, उसके ऊपर खोड़े खाए ताकि हम अपनी बीमारी से चंगे हो जाए। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या करा, अपना वस्त्र जो खीले के नोकीले उसके चमड़े में मारते थे, मांस निकल कर आता था, वो हमारे लिए कुचला गया। उन 40 खोड़ों के फटके ने हमको धार्मिकता का कपड़ा पहनाया। क्यों यीशु नंगा हुआ? ताकि हम जो नंगे हैं उसकी धार्मिकता का कपड़ा हमें मिल सके। आप प्रगटीकरण में आगे पढ़ सकते, उन्हें श्वेत वस्त्र दिया गया, और ये विश्वासियों का धार्मिक काम है। कपड़ा भी मिल गया हमें, तीसरा मकान। प्रवेश मसीह ने यौहन 14 में बोला मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, मैं जल्द आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी। रोटी कपड़ा और मकान, ये जैसे दुनिया में रहने की जरूरत है, वैसे आध्यात्मिक जीवन में भी तीन चीज की जरूरत है, और ये तीनों चीज प्रभु ने हमें दे दिया। बोलो हालेलुया। सो ये वचन को आगे लेके जाएंगे। दाऊद ने पहला, उसने संदूक की वाचा लेकर सोचा कि चलो प्रभु का अनुग्रह हो जाए मुझ पर, क्योंकि मैं 40 साल से राज्य कर रहा हूँ और मेरे राज्य में कभी युद्ध हारा नहीं, प्रभु ने मेरे को उठाया भेड़ बकरी से, अब मैं जो भी करूंगा मेरा प्रभु खुश है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। लेकिन संदूक की वाचा लाने का काम राजा का नहीं था। जब वो मरण हुआ तो संदूक की पेटी उसने वहीं रख दी और प्रभु से पूछा, अभिनादाब के घर से जाकर बोले प्रभु ये क्या हुआ, मैं तो अच्छा काम करने गया। वो लेवियों के पास गया, बोला मैं तो वाचा ले आ रहा था जो दूसरे के घर पे थी, यरूशलेम में मेरे साथ मरण क्यों संभव हुआ? तो उन्होंने बाइबल खोलकर पढ़े, बाइबल में लिखा है याजकों के कंधों पर संदूक की वाचा आना चाहिए, बैलगाड़ी में नहीं आना चाहिए। तो भले बैलगाड़ी सोने से बनवा ले, आज बहुत से लोगों के पास में समझो बहुत बढ़िया चर्च है, कारपेट लगा है, झूमर लगा है, नीचे रेड कारपेट है, गुलदस्ता लगा है, फूल लगा है, पुलपिट बढ़िया बना हुआ है, पीछे कारपेट, बैकग्राउंड वेलवेट कपड़ा है, पर्दा है, लाइट है,
और उधर पवित्र आत्मा नहीं है तो वो चर्च क्या काम कर, उससे अच्छा वो झोपड़ी अच्छा है ना जिधर प्रभु का आत्मा उतर के आता है लोगों के अंदर। इतने बड़े महल में बैठ के अगर प्रभु का आत्मा नहीं तो क्या उपयोग है उस चीज का। तुमने मर्सिडीज गाड़ी खरीद ली और पेट्रोल भर दी टैंक में, आप पर आसमान के तारों का छत लगा हुआ है, स्टीयरिंग में अच्छे कपड़े वेलवेट लगे हुए है, गियर के इसमें वेलवेट लगा है, नीचे कारपेट मजबूत है, चकमक कर रहा है गाड़ी, लेदर वेलवेट का है, अगर आग नहीं है तो मर्सिडीज गाड़ी को क्या करोगे, छाटोगे? वो आग मांगता है, शेल्फ लगेगा तभी गाड़ी, तभी गैस चलेगी। और आज प्रभु को वही चाहिए, आग चाहिए। आज सभाओं में पवित्र आत्मा का अग्नि चाहिए। डेविड ने सोने से मंडवाया, अपनी मर्जी को सारा सोचा कि मैं पूरा कर लूंगा, खुदा मेरे साथ है, लेकिन उसे पता नहीं चला खुदा उसको छोड़ दिया था। शिमशोन 20 साल इसराइल पर राज्य किया, एक दिन जाकर वो दिलायला के पास सो गया। दिलायला ने उसको पूछने लगी, तेरा रहस्य क्या है, झूठी प्यार दिखाई। फलिश्तियों ने डिलायला को पैसे दिए, बोले उसका ताकत का राज्य बता, और सिमसोन ने एक नहीं दो नहीं तीन बार उसको फंसाया, बोला अगर मेरे लटों को रस्सी से बांध दे तो मैं, मेरी ताकत निकल जाएगी। और डिलायला ने उसको गोद में लिठाकर उसको शराब के नशे में उसके लटों को बांध दी और कहा, सिमसोन फलिश्ती तेरे हाथ में। सिमसोन उठा, लटों को तोड़कर मार भगाया उनको, फिर जाकर डिलायला के गोद में सोया है। सिमसोन की आंखें खुल नहीं रही है कि ये झूठा प्यार एक दिन मेरे को अंधा बना देगा। फिर वो बोल रही है कि तू सच बता, सच बता। और फिर सिमसोन बोलता है कि अगर मुझे नए रस्सी से बांध दे तो मेरी ताकत चली जाएगी। और इसको सुलाते सुलाते अपने मांडी में लहराते उसको नए रस्से से बांध दिया, बोला सिमसोन पलिस्ती तेरे खात में। सिमसोन उठा, रस्सी को तोड़ दिया, पूरी गेट को उखाड़ के उनको भगा दिया। डिलायला बोली, तुम इससे प्यार नहीं करता, ये दुनिया ऐसा ही है, प्यार के चक्कर में तुम्हें फंसा देगी, तुम उससे प्यार नहीं करता। सिमसोन ने बेचारा आखिर में बोल दिया, सुन मेरा बाल बचपन से नहीं काटा गया है, माँ के पेट से मैं नासिर हूँ, मेरे माता को कोई शराब नहीं पीने का, मैंने भी शराब नहीं पीना है, और मेरे सर का बाल मेरे नासरीपन है, जिस दिन मेरा बाल मुंडाया जाएगा उस दिन मेरी ताकत चली जाएगी। डिलायला ने फिर फलिश्तियों को बोला, आपके बारे में सच बताती हूँ, और उसको लिटाया और उसके सर के बाल मुंडा दिए। और सिमसोन बोला, सिमसोन फलिश्ती तेरे हाथ में। सिमसोन उठा पहले की तरह, सोचा मार डालो, लेकिन पवित्र आत्मा उसको छोड़ के चला गया था। पहला पहला पकड़ के उसके आंखों को निकाल दिया, उसको अंधा बना दिया। सिमसोन अभी बेचारा खुदा का नाज़ीर 20 साल का पास्टर चक्की पीस रहा है, खुदा का मजाक हो रहा है। खुदा ने सिमसोन को भेजा इसराइल की रक्षा करने, और सिमसोन अभी अंधा होके चक्की पीस रहा है। सोचिए जिस खुदा ने उसको सेवा दी वो खुदा क्या सोच के बैठा होगा। वैसे ही अपनी सेवा के अंदर अगर हम लोग उस खुदा को छोड़कर दुनियादारी में पड़े तो वो खुदा क्या सोचता है हमको देखकर, अरे भैया अभी तो डिलायला के गोद में लग्जरी में बैठा हुआ है, मैंने किसके लिए बुलाया था और ये क्या कर रहा है। सिमसोन ने अपनी ताकत को खो दिया, पर उसको पता तक नहीं चला कि आत्मा उसको कब छोड़ के गई। वैसे ही आपको पता भी नहीं चलेगा आत्मा आपको कब छोड़ के गई। डेविड को पता ही नहीं चला आत्मा कब उसको छोड़ के गई। फिर डेविड ने जाकर याजक को बोला, भाई ये काम आप लोग ही करो, और फिर याजक लोग अपने आप को तैयारी करे। उसके लिए क्या करना है, 3 दिन याजक लोग औरत के पास नहीं जाना है, 3 दिन याजक को अपने आप को शुद्ध रखना है। उसके लिए चुनावट होती है और बड़े आदर के साथ याजक कंधे पे लेके चलेंगे, आगे तुरी बजेगी, गाना होगा, ये सब तरीका है। डेविड शॉर्टकट मारने की कोशिश किया, और प्रभु के राज्य के लिए शॉर्टकट रास्ता किधर भी नहीं है। जो रास्ता प्रभु ने बनाया उसी रास्ते में आपको चलना है। There is no shortcut to heaven. Hallelujah. आप मेरे साथ हैं? और बाद में डेविड ने वो काम याजक को हाथ में दे दिया, जो काम जो आदमी ने करना है वो काम वही आदमी ने करे, प्रभु ने उसके लिए ठहरा के रखा हुआ है। उसके बाद में डेविड ने क्या किया, नाचते 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 नंगा हो गया, और मिकाएल देख रही थी, हाय हाय इसराइल का राजा नाच रहा है, कपड़ा भी उतर गया, नंगा हो गया, कितनी बेशर्मी से नाच रहा था। डेविड बोला, इससे भी अच्छा नाचूंगा मैं मेरे खुदा के लिए।
और इतना बोलने के वजह से प्रभु ने मिकाएल का गर्भ को बंद रखा, बच्चा नहीं हुआ उसको। सिर्फ खुदा के बंदे के बारे में इतनी सी बोली। भाई ब्रनम जब घर आया, उसकी पत्नी ने दरवाजा जोर से बंद किया, उसके पेट में कैंसर हो गया। और जब भाई ब्रनम खुदा को बोला, मेरे बच्चे मैं इतना कैंसर के लिए प्रार्थना करता, मेरे औरत के घर में कैंसर, प्रभु ने बोला तेरा औरत बाद में, पहला तू मेरा दास है, मेरा दास के विरुद्ध जो बात करेगा वो सजा भुगत के जाएगा। जैसा मूसा ने बोला, प्रभु मेरा बेन मरियम को कोढ़ हो गया, प्रभु कोढ़ हो गया, वो मेरा दास के विरुद्ध में बात किया इसीलिए कोढ़ हो गया, उसको बंद करके रख, 7 दिन के बाद मैं ठीक करूंगा उसको। खुदा के बंदे के विरुद्ध में बात करोगे, पेट में कैंसर होगा। उसको आदर करना बहुत जरूरी है। तुम अगर तरक्की पाना है, आगे बढ़ना है, विश्वास में बढ़ोतरी चाहिए, तो पास्टर ने नया गाड़ी लिया करके चलो मत, पेट्रोल डालो उसमें तुम। वो गाड़ी चलने के लिए तुम पेट्रोल डालो। और जो विश्वासी अपने पास्टर के टंकी में पेट्रोल डालता ना, उसका टंकी कभी खाली नहीं होता। लिख के ले लो, जो अपने पास्टर के घर पे जाके राशन भरेगा ना, उसके घर में कभी तेल आटा कमी नहीं होगा। ये खुदा का वायदा है। अरे हम लोग जानते नहीं आशीष खुदा से पैसा कैसा पाना है। हम लोग बदनाम करते हैं, इसके लिए हमारा भी खत्ता खाली रहता है। हम भी कभी आशीष नहीं बनते, पूरी जिंदगी के कलीसिया में बैठकर भिखारी के हालात में पड़े रहते, आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि बढ़ने वालों के ऊपर जलन रखते हो। तो कैसे खुदा तुम्हें आशीष देगा? सो डेविड राजा ने सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ दिया। एक उदाहरण की बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु ने इसराइल के लिए एक राजा चुन के दिया शाऊल को, और खुदावन ने एक राजा चुन के दिया डेविड को। डिसाइपलशिप के अभिषेक में मैं खत्म करना चाहता हूं। ये दोनों तस्वीरों को देखिए, इधर शाऊल का अभिषेक हो रहा है, जो अपने बाप के गधे घूम गए थे उसको ढूंढने के लिए गया, और वो राजा बन के आ गया। वो भविष्यद्वक्ता का पास किस लिए गया था? कुछ गधे लोग मेरा किधर गया प्रभु जरा बता, वो ढूंढने के लिए गया था, राजा बन के आ गया। और डेविड राजा अपना बाप का भेड़ चराने वाला को प्रभु ने उठा के राजा बनाया। प्रेज द लॉर्ड। शॉल भटक गया, लालच में चला गया। प्रभु ने बोला था उस देश में जाएगा, वहां से कुछ मत लेना, सब खत्म कर देना, लेकिन कुछ चर्बी वाली गाय बैल बकरी। शॉल ने बोला अरे इसको बांध के लेके आओ, और अपने घर के पिछवाड़े में बांध के रखा था। जब शमूएल भविष्यद्वक्ता आया तो शॉल को बोला राजा जीत लिया मैं, लड़ाई हो गया सब कुछ फर्स्ट क्लास। शमूएल बोला ये बकरी की आवाज कहां से आ रही है, ये मेंढे कहां से आवाज दे रही है? हाँ प्रभु वो ऐसा है ना बात, दरअसल वहां क्यों मारना, मैं सोचा कि चर्बी वाली है, इधर लाएंगे तो प्रभु को भेंट चढ़ा देंगे। शमूएल बोलता है हमारा प्रभु हुक्म मानने से खुश होता है क्या? बलिदान से खुश होता है। बलिदान तेरा बाप में, पहला तेरा हुक्म मानना परमेश्वर को चाहिए। देख प्रभु तेरा राज्य तेरे से छीन लिया। और जब शमूएल मुड़ा, शाऊल गिर गया उसके पैर पर, उसके कपड़ा पकड़ा, उसने कपड़ा फाड़ के छोड़ निकल गया, वो जो टुकड़ा उसके हाथ में था। शमूएल फिर खड़ा रह के बोला जैसा ये कपड़ा फटा प्रभु तेरा राज्य को फाड़ रहा है। खत्म हो गया शाऊल, लेकिन डेविड प्रभु का अभिषेक था। अब ये दोनों चित्र को देखकर आप मेरे को बताएंगे क्या डिफरेंस है दोनों के अभिषेक में। जी हाँ, आप पढ़िए पहले शमूएल 10:1 में, जब शाऊल को अभिषेक किया जा रहा था तभी बर्तन में तेल लेके जाके डाला। बर्तन में, बर्तन आदमी का बनाया हुआ बर्तन, आदमी लोगों ने चुना हुआ शाऊल को अभिषेक कर रहा है, लेकिन जब डेविड का अभिषेक हुआ सिंह में ले जाके तेल डाला, वो प्रभु का चुना हुआ बर्तन था, प्रभु उसके साथ था, लेकिन ये टुकराया गया। इसी तरह आपके ऊपर अभिषेक कौन सा हुआ है वो देखना बहुत जरूरी है। डिसाइपलशिप में जाने के पहले आप कौन से अभिषेक को लेके साथ में चल रहे हैं? अगर आपको अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ है तो आपको कोई नहीं रोक सकता।
अगर आदमी लोगों ने कटोरे में आपको अभिषेक किया है तो आपका अभिषेक परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं होगा। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना में जाए।